आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रेस्टोरेंट वाला तंदूरी सोया चाप आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाला मजा घर पे भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत होते हैं यहाँ पे चाप को लेकर, जिसे डीप फ्राई किया जाएगा। क्रिस्पी होने तक आपको इसे डीप फ्राई करना है धीमी आँच पर, और अच्छे से तेल निकल जाए तब तक वेट करना है। यह हमारा डीप फ्राई किया हुआ चाप हो चुका है रेडी। इसे अलग से बर्तन में निकाल लिया जाएगा। इसमें मसाले डाले जाएंगे, जैसे कि शुरुआत करते हैं स्वाद अनुसार नमक से, क्यूमिन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये स्पेशल मसाला है तंदूरी सोया चाप का, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, कसूरी मेथी, और इसमें काले मिर्च और हल्दी भी पड़ती है। यह बटर आ गया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। कसूरी मेथी का डाला बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कसूरी मेथी जो रहती है बहुत ही स्वाद देती है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। ध्यान रहे कि कोई मसाला छूटे ना। तो अभी हमारा चाप जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी इसे एक स्टिक पे लगा दिया जाएगा। यहाँ पे वेजिटेबल के तौर पे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे चाप को स्टिक पे लगा दिया गया है। ये एक चाप हमारी हो चुका है तैयार। हमारी दूसरी चाप स्टिक लगाएंगे। यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो करेंगे, वेजिटेबल्स और चाप को लगा देना है। ध्यान रहे मसाला जो है अच्छे तरीके से चिपका हो, और आप चाहे तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो नमक मिला लें। हमारा वेजेस और चाप स्टिक पे लग चुका है। ऐसे आप स्टिक बना लें और इसे तंदूर में रख लें। अगर आपके घर में तंदूर ना है तब चाहे तो गैस स्टोव के ऊपर भी आप इसे पका सकते हैं। हमारा चाप जो है हो चुका है तैयार। इसे कट कर लिया जाएगा। अभी जब भी आप घर पे बनाएं चाप तो गर्मा गर्म ही सर्व करें, जायका अलग ही रहता है इसका। एक बाउल में से निकाल लिया जाएगा। इसमें तंदूरी चाट मसाला और चाप मसाला दोनों मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत बटर और क्रीम। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाएगी, फिर चाप का मज़ा नहीं रहेगा। आप इसमें नींबू डालकर इसे सर्व कर सकते हैं, ऊपर हरा धनिया रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी चाप हो चुका है तैयार। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं आपका अपना तरीका क्या है। अगर आपके पास इससे भी बेहतरीन कोई तरीका है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आप कौन कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।